हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच, आज की वीडियो में आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम कहीं चलते हुए फिसल जाएं या कहीं हमारा पैर स्लिप हो जाए तो हम उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाएंगे। क्योंकि जब हम फिसलते हैं, चाहे वो फर्श पे फिसलें, चाहे वो सड़क पे फिसलें, या रास्ते में फिसलें, या सीढ़ियों पे फिसलें, कहीं भी अगर हम फिसल के गिरते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस चोट लग सकती है आपको। पैर में, कमर में, हाथ में, कोहनी में, सर में, कहीं भी चोट लग सकती है। और कभी कभी तो ये चोट इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपको फ्रैक्चर तक आ सकता है। तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसमें आपको बचने के लिए बहुत अच्छी मैं ट्रिक बताऊंगा। अगर आप फॉलो करते हो तो अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो कि आप अगर फिसल जाएं तो कैसे बचें। ओके, जो जूडो के प्लेयर होते हैं, कराटे के प्लेयर होते हैं, जुजुत्सु के प्लेयर होते हैं, या रियल मायने में जो मार्शल आर्ट्स करते हैं, वो इन सब चीज़ों से अपना बचाव कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप चल रहे हैं, आप गिरते कब हैं? गिरते आप जब हैं जब आपका या तो ध्यान नहीं होता या फिर आप बिल्कुल इधर उधर जल्दबाजी में चल रहे होते हो। ये मेन रीज़न होता है गिरने का कि आपने ध्यान नहीं दिया, नीचे कुछ पड़ा हुआ था, पानी पड़ा हुआ था, या मान लो कहीं कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई थी कि आपका पैर स्लिप हो गया, या आप बहुत जल्दबाजी में चल रहे थे, बहुत तेज़ी से जा रहे थे, तेज़ी से जाने के कारण आपका तुरंत पैर फिसल गया और आप डिसबैलेंस हो गए। यानी कि आप इतना कुछ समझते कि कैसे हुआ, क्या हुआ, इतने आप गिर पड़े ज़मीन पर और आपकी कमर में या पैर में या सर में कहीं भी चोट आ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बच्चा, बड़ा, बूढ़ा कोई भी हो सकता है, गिर कोई भी सकता है, बट अगर कुछ बचाने की टेक्निक सीख ली जा रही है बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आजकल बारिश का भी मौसम चल रहा है, बारिश में कहीं भी पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है, ज़मीन काफ़ी फिसलने वाली हो जाती है, तो उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जब भी हम लोग गिरते हैं ना, ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो हमारे ये होते हैं कि पैरा स्लिप का दांत, यही होता है ना, सबसे ज़्यादा यही होता है कि हम कमर के बल गिरते हैं। और ये वाला बहुत कम होता है कि आप ऐसे करके गिरे और फिर इसके बल गिरे, इसके चांसेस कम होते हैं। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि दो ही तरीके होते हैं गिरने के, या फिर आप साइड से गिरेंगे। आप गए, ये तीसरा तरीका है। तीन ही तरीके होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई चौथा भी तरीका है। या तो आप पीठ के बल गिरेंगे, या मुँह के बल गिरेंगे, या साइड से गिरेंगे। ओके, तो इस सारी सिचुएशन में आपको करना क्या है? अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, आप एक्टिव होंगे। अगर आप जूडो या कराटे करते हो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो आप अपने प्रैक्टिस में, वर्कआउट में एक चीज़ ऐड कर लीजिए। ये ठीक है, आपको क्या करना है, रोल करके बैठना है। दोबारा देखिए। ओके, इसमें क्या है, रोल करने की प्रैक्टिस हो गया। ये आराम से ऐसे हाथ रखो, हाथ जाकर सामने रखो, घुटने बैठ करो। ठीक है, ऐसे करो, इससे आपको थोड़ा रोल करने में आसानी होगी। और इसके अलावा आप नीचे ले जाइए, घुटने पकड़ के ऐसे उठने की कोशिश। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप गिरेंगे तो सबसे पहले आपकी पीठ जमीन पे लगेगी। जब आप फ्रंट रोल करते हैं तो आपकी कमर बैक स्ट्रांग हो जाती है। और जब आप भी गिरते हैं ना, जैसे आप स्लिप हो गए, स्लिप हुए तो आप ये ध्यान रखिए आप किस तरफ से स्लिप हो रहे हैं। जैसे अगर आप राइट साइड से स्लिप हो रहे हैं तो कोशिश करो गिरने से पहले आपका राइट हैंड जो है वो ज़मीन पर टच हो जाए, जिससे कि आपकी जो जॉइंट्स है, कमर है, सर है, बच लगने से बच जाएगा। आप गिरे, यानी कि जिस तरफ आप गिर रहे हैं उस तरफ का हाथ आपकी बॉडी से पहले ज़मीन को टच होना चाहिए, इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लो अगर आप गिर भी गए, आप गिरे ऐसे करके ये गिर गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर धम से नहीं मारना, सर जमीन पे नहीं मारना है, आपको क्या करना है, सर को ऊपर रखना है। अगर आप गिरे भी तो ये देखो, खाली कमर टच हुई, सर जमीन से ऊपर है,
तो आपको क्या करना है, अपने सर को जमीन से ऊपर रखना है, तो इससे आपको चोट नहीं लगेगी। पहली ट्रिक मैंने ये बताई कि जिस साइड आप गिर रहे हैं वो हाथ पहले टच करो ताकि आप बच जाओ। दूसरा ये, अगर आप गिरते भी हो और फ्रंट रोल वगैरह करते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपना नॉर्मली हाथ टेक के या सर ऊपर उठा के बच सकते हो। सेम सिचुएशन ये है, आप चल रहे हो कि आप स्लिप हो गए, गिरे, तो फेस लगने से पहले आपका हाथ आना चाहिए। आपने फुर्ती से स्पीड से अगर हाथ पहले ले आए तो आपकी बॉडी में चोट लगने से बच जाओगे। जो भी कराटे करते हैं उनके अंदर स्पीड होती है, स्टैमिना होता है और बहुत फुर्ती से वो अपना बचाव करने जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कराटे मार्शल आर्ट्स किया हुआ है तो आप आराम से कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर सकते हो। और इसके अलावा एक एक्सरसाइज और बता रहा हूँ, 1 2 3 कमर पे ऐसे हाथ लगाना है ऐसे करके, और आपको बैंड होना है, पीछे की तरफ बैंड होना है, ये ऐसे सपोर्ट लेगा ये, 1 2 3 इससे क्या होगा, आपकी कमर थोड़ी लचीली हो जाएगी, जैसे आप स्लिप हो रहे हो तो थोड़ा बहुत बैलेंस आप बना सकते हो, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि आप अपने चोट से बच सकते हो, रिपटने के बाद या स्लिप होने के बाद फिसलने से जो चोट लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो आप एक्सरसाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक्टिव एंड स्ट्रांग रहिए, ओके।